Hello friends, in this video we shall discuss questions and answers related to hobby. We shall also discuss some idioms and phrases. We will also discuss about opposite words and one word for a sentence. So let's begin. Let us start with the phrase, my back ached, meri peeth dukhi. Some examples. I picked up the bucket of water and my back ached. मैंने पानी की बाल्टी उठाई और मेरी पीठ दुखी. My leg slipped and my back ached. मेरा पैर फिसला और मेरी पीठ दुखी. I bent to tie my shoelace and my back ached. मैं जूते का चश्मा बांधने के लिए झुका और मेरी पीठ दुखी. My back ached for continuous 2 days. मेरी पीठ लगातार 2 दिन तक दुखी. Now let us discuss the main topic of this video. Hobbies. Shock. What is your hobby? आपका शौक क्या है? I like playing sports, especially swimming. मुझे खेलों का शौक है, खासकर तैराकी. Is your hobby common in your country? क्या आपका शौक आपके देश में आम है? Yes, kids, adults and senior citizens all like swimming in my country. हाँ, मेरे देश में बच्चे, जवान, बुजुर्ग सब तैराकी पसंद करते हैं. Is your hobby from your childhood? क्या आपका यह शौक बचपन से ही है? Yes, I was fond of swimming when I was small. हाँ, मुझे बचपन से ही तैराकी का शौक था. When did you start practicing that hobby? आपने शौक का अभ्यास कब से शुरू किया? I started swimming when I was 5 years old. जब मैं 5 वर्ष का था तब से मैंने तैराकी का अभ्यास शुरू किया. Is there anybody in your family who you share your hobby with? और कोई भी आपके परिवार में जो आपके जैसे शौक रखता हो? My dad, he taught me how to swim. मेरे पिताजी, उन्होंने ही मुझे तैरना सिखाया. How much time do you spend on your hobby? आप कितना समय अपने शौक को देते हो? I usually go to the swimming pool twice a week. मैं सप्ताह में 2 बार तैराकी के लिए जाता हूँ. What benefits do you get from it? इससे आपको क्या फायदा मिलता है? Swimming is a really good workout. It helps me keep fit. यह एक बहुत अच्छी वर्जिश है. यह मुझे चुस्त और दुरुस्त रखती है. Have you ever heard of someone having a very unusual hobby? What is it? क्या आपने सुना है कभी किसी के को अजीब सा शौक है? वो क्या है? Yes, my cousin. He loves tattooing vehicles. He puts stickers everywhere on his car. हाँ, मेरा भाई का है. वो गाड़ी पर सब जगह स्टिकर चिपकाता है. One word for a sentence.
एक वाक्य के लिए एक शब्द. वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान में विश्वास नहीं करता है उसे कहते हैं एथिस्ट. वन हु कैन यूज बोथ हैंड्स इक्वली वेल, जो दोनों हाथों से समान रूप से काम कर लेता है. एम्बिडेक्स्ट्रस, ए स्टडी ऑफ एंशियंट थिंग्स, पुरातन चीजें या पुरानी चीजों का अभ्यास. आर्कियोलॉजी, ए लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय वन सेल्फ, जो अपने बारे में लिखता है, जो खुद की जीवनी लिखता है. ऑटोबायोग्राफी. सम वर्ड मीनिंग्स, भेंगा, स्क्विंट, भेंगा यानी कि जो देखता कहीं और है और बोलता कहीं और है. मोम, कान का कचरा. वैक्स, भक्त, डिवोटी. शिष्य, डिसाइपल. बासी, स्टेल. आदर्शवादी, आइडियलिस्ट. निकम्मा, आइडल. चुगलखोर, टेलटेल. सिद्धांतवादी, प्रिंसिपल्ड. नाउ वी विल लर्न ए न्यू फ्रेज. फ्लाई बाय नाइट. फ्लाई बाय नाइट का मतलब होता है रातों रात गायब हो जाना. शॉर्ट लिव, अल्पायु, या इफिमेरल, अल्पकालिक, जो कुछ ही समय के लिए होता है. आई न्यू इट वॉज ए फ्लाई बाय नाइट कंपनी. नो वन कैन डबल योर मनी इन वन ईयर. मैं जानता था वो अल्पकालिक कंपनी है. कोई भी आपका पैसा एक वर्ष में दोगुना नहीं कर सकता. सो फ्लाई बाय नाइट मीन्स विच इज फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड. नाउ सम अपोजिट वर्ड्स. डेफिसिट मतलब कमी. इसकी बॉडी में विटामिन डी के डेफिसिट है या कैल्शियम का डेफिसिट है, यानी कि कमी है. सरप्लस अत्यधिक, जितना चाहिए उससे ज्यादा. इकोनॉमी मितव्ययी, सोच समझकर खर्च करने वाला. एक्स्ट्रावेगेंट फिजूल खर्ची. एलिगेंस सुंदर. अग्लीनेस कुरूपता.
Now some questions which you must learn how to ask these type of questions. Where are you off to now? आपकी कहाँ की तैयारी है? आप कहाँ के लिए निकल रहे हो? Any time to spare tomorrow? कुछ अतिरिक्त समय है कल के लिए? कुछ समय है आपके पास कल? Do you like tea with or without sugar? आप चाय शक्कर के साथ पसंद करोगे या बिना शक्कर के? How long will it take? कितना समय लगेगा? What have you been doing all day long? आप सारा दिन क्या कर रहे थे? Now some question related to eat. What will you prefer to eat? आप क्या खाना पसंद करोगे? I will prefer to eat continental food. मैं continental खाना पसंद करूंगा. What did you eat? आपने क्या खाया? I ate Subway sandwich. मैंने Subway sandwich खाया. What do they eat? वे क्या खाते हैं? They eat non-veg. वे मांसाहार खाते हैं. What have you eaten? आपने क्या खाया है? I have eaten Chinese food. मैंने Chinese खाया है. What will we eat? हम क्या खाएंगे? We shall eat potato stuffed parathas. हम आलू के पराठे खाएंगे. What has Ram eaten? राम ने क्या खाया है? Ram has eaten idlis. राम ने इडली खाई है. What is she eating? वो क्या खा रही है? She is eating pizza. वो पिज्जा खा रही है. What is the special menu for today? आज का special menu क्या है? The special menu for today is biryani. आज का special menu बिरयानी है. Friends, if you find the video nice, subscribe for it and don't forget to press the bell icon. Give a like to it and wait for my coming videos. For more details, visit my YouTube channel Ikta Skills and improve your English knowledge. Thank you. Keep learning. Have a nice day.